ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार कुर्रे अर्ज पर मौजूद दुनिया की कदीम तरीन दरसगाहों में होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100 से जायद लाइब्रेरियां हैं, लेकिन सबसे मशहूर लाइब्रेरी बॉडिलियन लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का क्याम सन 1602 में अमल में आया था। ये यूरोप की कदीम तरीन लाइब्रेरियों में से एक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार कुर्रे अर्ज पर मौजूद दुनिया की कदीम तरीन दरसगाहों में होता है, जबकि बॉडलियन लाइब्रेरी अपनी अजीबो गरीब रिवायात की वजह से भी मशहूर है। इस लाइब्रेरी में आने वालों के लिए सैकड़ों बरस कबल एक एलामिया तरतीब दिया गया था, जिससे मुकम्मल इत्तफाक करने वाले को ही लाइब्रेरी में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। बॉडलियन लाइब्रेरी की कदीम रिवायात के मुताबिक लाइब्रेरी आने वाले हर शख्स के लिए इस एलामिया को बुलंद आवाज में पढ़ना जरूरी होता है, लेकिन आजकल लाइब्रेरी के मुस्तकिल अराकीन से एक कागज पर लिखे गए एलामिये के नीचे दस्तखत लेने पर ही इक्तफा कर लिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जो अफराद बॉडलियन लाइब्रेरी के रुकन नहीं हैं, उनके लिए आज भी यह लाजिम है कि वो लाइब्रेरी में दाखिल होने से पहले इस एलामिये में दर्ज कवायद व जवाबित को बुलंद आवाज में पढ़ें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस एलामिया को 100 से ज़ायद जुबानों में तर्जमा किया हुआ है, ताकि बॉडलियन लाइब्रेरी में आने वाला शख्स बखूबी जान सके कि उसे पढ़े गए एलामिया के किस किस वादे पर अमल पैरा होना होगा। बॉडलियन लाइब्रेरी के एलामिया की कुछ शराइत ये हैं कि वो किसी किताब को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ना किसी किताब को चोरी करेंगे, ना ही किसी किताब को उसकी पुरानी जगह से उठाकर नई जगह पर रखेंगे। नीज दौरान मुतालिया सिगरेट नोशी से बिल्कुल परहेज करेंगे और कोई भी जलने वाली शय अपने साथ लाइब्रेरी में नहीं लाएंगे। अहम बात यह है कि बॉडलियन लाइब्रेरी की इंतजामिया अपने रिवायती इलामिये पर अमल दरामद के हवाले से हमेशा संजीदा रहती है, और किसी भी शर्त की खिलाफ वर्जी पर बॉडलियन लाइब्रेरी की रुकनीत हमेशा हमेशा के लिए मनसूख कर दी जाती है। दुनिया के अक्सर अफराद ये मुगालता रखते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। ये इबहाम इसलिए पैदा हुआ कि कुर्रे अर्ज के हर मुल्क के साहिब सरवत और काबिल अफराद के होनहार बच्चे बाकायदगी के साथ इस मादरे इल्मी में तहसीले इल्म के लिए आते रहते हैं, और जब ये तलबा तहसीले इल्म के बाद अपने मुल्क में वापस लौटते हैं तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कदीम रिवायात, इल्मी माहौल और मेयारे तालीम की इतनी ज़्यादा तारीफ करते हैं कि सुनने वाले अपनी दानिश में ये समझने लगते हैं कि शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की मेयारी ही नहीं बल्कि कदीम तरीन दरसगाह भी है। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की दूसरी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है, और दुनिया की अव्वलीन कदीम तरीन यूनिवर्सिटी का एजाज़ एक इंतहाई गैर मारूफ मादरे इल्मी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना के पास है, जो कि इटली में वाक़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना ही वो पहला मकाम था जिसके असातिज़ा और तलबा के लिए लफ्ज़ यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल किया गया। याद रहे कि ऐसी ही एक गलतफहमी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के बारे में भी पाई जाती है। हालांकि शायद ही हमारी ज़मीन पर कोई ऐसा दूसरा प्रेस हो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जितनी आलमगीर शोहरत और मकबूलियत रखता हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 15 वाइस चांसलर्स हैं, जिनमें से एक भी किसी कारोबारी सरगर्मी में मुलविस नहीं रहा, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद कारोबारी प्रेस है जो फकत मुंतखब करदा माहरीन तालीम के जरिए ही चलाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में हजारों मुलाजमीन काम करते हैं। नीज ये प्रेस दुनिया की कई जबानों में किताबें छाप कर फरोख्त के लिए पेश करता है, और 50 से जायद ममालिक में इसके बाकायदा दफातर भी कायम है। बरतानिया से बाहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का सबसे पहला दफ्तर 1800 में न्यूयॉर्क में कायम किया गया था। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी प्रेस है और बिलाशुबा सबसे मशहूर भी, लेकिन बहरहाल ये सबसे कदीम नहीं है, क्योंकि कदीम तरीन यूनिवर्सिटी प्रेस का एजाज़ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के पास है। हालांकि बाज़ लोग अभी भी दावा करते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपनी पहली किताब 1478 में छापी थी, यानी बरतानिया में प्रिंटिंग प्रेस आने के चंद साल बाद ही। लेकिन चूंकि बरतानिया की शाही हुकूमत की जानिब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को 1586 में शाही मंजूरी मिली थी,
जबकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को चंद साल कबल 1534 में बतौर यूनिवर्सिटी प्रेस शाही मंजूरी हासिल हो चुकी थी। लिहाजा उसूली तौर पर सबसे कदीम यूनिवर्सिटी प्रेस होने की दौड़ में जीत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के नाम रही।